वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो उत्तर प्रदेश में नए आयोग का ऐलान हो चुका है। नया शिक्षा सेवा आयोग ही अब उत्तर प्रदेश में भर्तियां कराएगा शिक्षकों की। तो अब पीएनपी का कोई भी रोल नहीं होगा शिक्षक भर्ती में। यूपी टेट और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नए आयोग से होगी। इसी के साथ साथ माध्यमिक और उच्चतर वाली भर्तियाँ भी इसी नए आयोग से कराई जाएंगी। खुद मुख्यमंत्री ने यहां पर ऐलान कर दिया है कि यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 का एग्ज़ाम नए आयोग से होगा और अब यूपी टेट के पेपर समय से भी होंगे, इसका भी आश्वासन दिया गया है। नए आयोग में कुछ प्रस्ताव हैं भर्तियों की नियमावली से संबंधित, और इसमें एक बड़ा प्रस्ताव ये है कि अब जो शिक्षक भर्ती होगी इसमें यूपी टेट या सी टेट का 1/4 यानी 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा और लिखित परीक्षा का नंबर, ये दोनों जोड़कर फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। तो ये प्रस्ताव है, यदि इस पर फाइनल मुहर लगती है तो आगे भविष्य में जो चयन की प्रक्रिया है वो यही होगी, यानी कि जो पहले 10, 12 और जो एकेडमिक वगैरह के नंबर जुड़ते थे उसका रोल समाप्त हो जाएगा। यूपी टेट या सी टेट का 1/4 नंबर और लिखित परीक्षा दोनों जोड़कर मेरिट बन जाएगी। तो आपको टेट में भी अच्छा स्कोर करना होगा। फिलहाल तो सी टेट के लिए परीक्षाएं चल रही हैं, यदि आपने आवेदन किया है तो अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सी टेट अभी भी वैलिड रहेगा और प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होता था, अभी भी इंटरव्यू नहीं होगा। नए आयोग के ड्राफ्ट में ये साफ साफ मेंशन किया गया है। यूपी टेट का आयोजन नए आयोग से ही होना है, तो जैसे ही आयोग गठित हो जाएगा, अभी 3-4 महीने का समय है, उसके बाद यूपी टेट देखने को मिलेगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी। 2023 के लास्ट तक ही शिक्षक भर्ती की उम्मीद आप कर सकते हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, उससे पहले एक भर्ती आने की पूरी संभावना है। और आज ये नोटिस जारी हुआ जहां पर शिक्षा निदेशालय द्वारा रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई, सहायक अध्यापकों की स्वीकृत रिक्त और कार्यरत जो शिक्षक है उनका डेटा मांगा गया है। लेकिन दोस्तों ये जो डेटा मांगा जा रहा है अभी ये फिलहाल प्रमोशन के लिए है, बेसिक में बड़े स्तर पर प्रमोशन होने जा रहा है तो ये उससे संबंधित है, नए शिक्षक भर्ती संबंधित नहीं है। लेकिन प्रमोशन के बाद प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होंगे, ये भी बिल्कुल सच्चाई है। तो नई भर्तियों के रास्ते बिल्कुल खुल रहे हैं और आपको भी अब सचेत होने की ज़रूरत है, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यदि आपका पहले से यूपी टेट या सी टेट क्लियर है तो डायरेक्ट शिक्षक भर्ती की तैयारी करिए, और यदि आपका यूपी टेट अभी तक क्लियर नहीं है या सी टेट क्लियर नहीं है तो इसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कुछ अड़चनें हैं, जैसे कि 6800 वाला मामला है वो जल्द क्लियर हो जाएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, उम्मीद है ये भी सुप्रीम कोर्ट से जल्द क्लियर होगा। नया आयोग गठित तो हो ही रहा है, तो जो भी दिक्कतें थी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और नई भर्ती के लिए माहौल तैयार हो रहा है। बाकी आपके कोई भी डाउट हो नई शिक्षक भर्ती से संबंधित तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।